सुनाओ, शुरू करते हैं। 7 बज गया। ठीक है, मैंने बना दिया होस्ट, आपको शेयर कर दो। चले अमन स्टार्ट हाँ करें। हाँ ठीक है ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो अब जो कल दिया था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। अमित, तूने ट्राई करा था वो? नहीं ना, तो चला ही नहीं है तो ट्राई कैसे करेगा। नहीं तो गूगल कोलैब में कर लो आप, जो भी प्रैक्टिस करनी है ना, आप सिंटैक्स जो भी है। इंस्टॉल के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, गूगल कोलैब में जो सिंटैक्स एटलीस्ट वो तो आपको पता चल जाएगा ना। फिर इंस्टॉल तो आप कैसे भी कर सकते हो, है ना, पाईचार्म भी कर लो या जो भी है। ये यहाँ वैसे लगा दिया मैं डाउनलोडिंग हाँ, पे, इसको भी देखते जो हैं। प्रैक्टिस करनी है कोलैब में ही कर लो, उसमें तो कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली चल जाएगा वो। वो ठीक है, मतलब आपने ये कोड कर लिया है। एक मिनट दो, क्या करें, इसी में शुरू कर दें आजकल? इस पे करते हैं ना, 18th वाले पे। ठीक है, आप नया वो बना लो। नहीं, ये बना हुआ है ना, ये ऊपर टैब, दूसरा टैब पे, सेकंड टैब पे। इसी में ना, नहीं, टैब ये कहाँ है? टैब टैब 18th जुलाई, ब्राउजर पे दूसरा विंडो, अच्छा, सेकंड विंडो जो ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने क्या कोड बनाया था ये? अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसमें मतलब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 1 ही लेता है, जो इंक्रीमेंट लेता है ना, अच्छा, तो वो करने की जरूरत नहीं थी। तो ओके। अमित जी, आपके ये समझ में आ रहा है कोड जो उन्होंने लिखा है, ये जो सीरीज इन्होंने बनाई है? हाँ, ठीक है। हाँ क्या ठीक है, ये किया है इन्होंने? डबल स्टार जो लगे हैं, डबल स्टार तो स्क्वायर निकालने के लिए यूज हाँ, करते ये हैं। स्क्वायर के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है, समझ तो गया। है ना, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है और उसमें क्या ऑपरेशन करना है, वो मैं ऐसे डिफाइन क्या कर दूँ ऑपरेशन कर रहे हैं? अब जैसे ना, हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास ये लाइन है ना, आपके पास ये लाइन थी ना जो हमने कल एक्सेस करी थी। कल वाला 1 मिनट मेरे को दिखाओ। हाँ, जो एफ लॉग ही हमने निकाला था ना, उसका आउटपुट। उसे कॉपी मार देते हैं बस। हाँ, ये स्ट्रिंग जो है ना, इसको कॉपी मार लो बस। हाँ, बस ये ले लो। ठीक है, तो अगर जैसे ना मुझे एक ये पैटर्न बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए 5 6 7 8 9। एक मिनट, 10 11 12 6 7 8 9 होना चाहिए ना, 13 5 से दोबारा रिपीट हो जाए। 5 नहीं, हाँ 6 ही होगा वो, है ना, तो 6 से लेकर 10 तक जाएगा, और लेकिन देखो जो आपने ये वाला कोड किया है ना, क्या कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? हेलो,
हेलो ठीक है हाँ तो एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें जैसे ये है तो ठीक है, तो जो पहले आपने कोड लिखा था ना उसमें ये था कि आपने ना डिफरेंट लाइन में लाए थे आप उसे। मैं कह रहा था कि आप ना इसे सिंगल लाइन में ले आओ, तो सिंगल लाइन में ला सकते हो या आउटपुट आप। सिंगल लाइन में हाँ ये आउटपुट अभी आप मल्टीपल लाइंस पे ला रहे हो ना। ये एक एरे बनाना पड़ेगा ना, इसका लिस्ट, नहीं, तभी उस लिस्ट। एरे की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रिंग में स्टोर कर लो ये सारा ना, और फिर प्रिंट लास्ट अच्छा ठीक में प्रिंट मार देना। तो है, हो जाएगा। ट्राई करके देखो, हाँ ट्राई करके देखो एक बार, एक स्ट्रिंग ले लो। फिर है नहीं, स्ट्रिंग बाहर ले लो क्योंकि आप खाली से शुरुआत करोगे ना। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ। मैं कर आप कर रहे हो? अच्छा नहीं, करो करो आप करो। स्ट्रिंग, ठीक है, ए में मेरा वो करंट आउटपुट आ गया, आपको बस उसमें जोड़ते रहना है स्ट्रिंग में। नहीं, स्ट्रिंग में जोड़ो ना, प्रिंट में क्यों लगा रहे हो। प्रिंट अभी हटा दो ना, प्रिंट की जरूरत नहीं है, प्रिंट हम लूप के बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं, ए पे क्यों प्लस कर रहे हो, स्ट्रिंग में करो ना, ए तो इंटीजर है, क्योंकि आपको इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना, ये जो कलेक्शन है ये स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग इक्वल टू, अभी स्ट्रिंग मेरी 0 है, ठीक है। हाँ अब आप हाँ बोल रहे हाँ हो कि जो भी प्लस होगा वो ए के अंदर आ जाए, हाँ सही है यहाँ सही है पे सही है। स्ट्रिंग करा हाँ दो। ठीक ठीक है, है अब ठीक है कर ठीक दो। है ठीक है। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, ये कह रहा कि जो उसका डेटा टाइप है ना ए का, वो इंटीजर है, तो उसको बदल दो स्ट्रिंग में। नहीं, इंटीजर में तो है ना पहले से वो इंट वो ए, सॉरी सॉरी, तो इसको स्ट्रिंग बना दो। ये हाँ स्ट्रिंग का एस क्या टी होता आर, है हाँ एस टी फंक्शन? आर एक सेकंड, बस। str। हाँ बंद कर दो इसे। सही अब है, ये तो कुछ और ही आ गया। कुछ और आ गया ना, तो क्यों आए ये कुछ और, हाँ क्योंकि आप जो प्रिंट कर रहे हो ना, आप हाँ हर बार प्रिंट कर रहे हो एस टी आर जी को, है ना, तो पहले एस टी आर जी में 1 स्टोर हो जाएगा, फिर 4 स्टोर होगा, 1 4, फिर 1 4 9 हो जाएगा। सही है, लेकिन इसमें स्पेस भी डालना था, तो स्ट्रिंग में ना स्पेस भी डाल दो बीच में एक। हाँ प्लस कर दो। स्पेस मारो ना, स्पेस है वो उसमें। हाँ अब हुआ सही है ना, है। समझ आ गया, तो वो लूप के अंदर चल रहा था बार बार, हाँ, लूप के अंदर आ रहा था लूप ना, से बाहर कर रहा था। तो ठीक है, अब आपने ये देख लिया। अब आपको ना एक मैं दूसरी चीज बता देता हूँ, जैसे आपको अगर मान लो इस तरीके का आउटपुट चाहिए, क्या कर सकते हो ना इसमें, एक पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है डबल फॉर लूप, सुना है आपने, डबल फॉर लूप जो होता है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो होता है ना, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 और फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज आई, अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो उसे देखने के बाद, क्या आएगा आउटपुट। पहले ये आई का जाएगा 1 to 6,
से स्टार्ट हुआ ठीक है, अब इसको क्या ये y पे जाएगा तो अभी मेरी वैल्यू 1 है, 1.1 आ जाएगा, 1.1 आएगा ठीक है। फिर ये दोबारा इटरेशन होगा, हाँ। फिर ये 2 आ जाएगा, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2, हाँ। और यहाँ पर आ जाएगा फिर 2.2, 2.2 क्योंकि ये फिर जे वाला लूप दो बार चलेगा ना जब आई टू हो जाएगा, हाँ, तो फिर 1.1 था, 1.2 आ जाएगा। देखो जब सेकेंड इटरेशन होगा तो आई की वैल्यू 2 होगी है ना, 2.0 और 2.1 आएगा है ना। तो एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और इन रेंज हो जाएगा ठीक है। तो ये आउटपुट आपके आ रहा है समझ में क्या हो रहा है इसमें? वन आया तो वन चला गया आई में, जे का 1, इसके 1 में 0, ओके, ओके, फिर 2 आ गया आई के अंदर। एक मिनट मैं इसे ना कम कर देता हूँ क्योंकि ये 6 से फालतू का ये जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, 3 कर दिया है मैंने ना। फोन में आ रहा है, हुआ क्या? ठीक है, हैं? आगे समझ में हो क्या रहा है इसमें? पहले जो आई की वैल्यू है वो वन से शुरू हो रही है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, रेंज में 1 आ जा रहा है। तो जो ये वाला लूप है ये एक बार चलेगा है ना, और आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 होगी क्योंकि रेंज 1 जब होता है तो वो 0 ही लेता है सिर्फ है ना, 0 से स्टार्ट करेगा, हाँ। और जब आई 2 हो जाएगा ठीक है तब रेंज 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो जब रेंज 2 हो जाएगा तो जे की वैल्यू 0 और 1 होगी है ना, दो बार चलेगा लूप ठीक है। तो आई मेरा 2 है और ये मेरा 1 हो गया है ना। तो अगर जैसे मैं आपको एक सिंपल सा मतलब दूँ स्ट्रिंग, अगर मैं आपको देता हूँ माय नेम इज अमन और एक दूसरी भी मैं डाल देता हूँ, हाउ आर यू, दिस इज भी मैं डाल देता हूँ, वी आर कोडिंग डे ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तब आएगा सही आउटपुट। तो मैं प्रिंट कराया था ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ना पहले मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं इस स्ट्रिंग को एक एरे में स्टोर कर दूँ लाइन वाइज है ना, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं उसका हर एक वर्ड एक लाइन में प्रिंट कराऊँ, मैं चाहता हूँ आउटपुट। तो अभी भी तो अच्छा एक एक वर्ड लाइक माय नेम अलग, नेम अलग, इस अलग, अमन अलग, एक एक लाइन में मैं चाहता हूँ। तो उसका एक बार ट्राई करके देखो, इसको करो अमित, इसको एक एरे में स्टोर करना है, करना है अमित? नहीं करो आप, मैं करूँ। अच्छा तो इसको किस में करना है, एरे में करना है? हाँ एरे में स्टोर करना है। ठीक है, नहीं, आप नहीं, इसे नहीं, एक एक लाइन में चाहिए? हाँ, एक एक लाइन वाला चाहता हूँ मैं। ठीक
ठीक है, लाइन आ गई है एरे में। अब आप चाहते हो कि ये एक एक वर्ड टूट जाए। हाँ, एक एक वर्ड आ जाए मेरा। सही है, ठीक है। प्रिंट करा दो इसे, ठीक है भाई। चलो एरर मार दिया। कैसे क्या बोला, क्या कह रहा है? एरर। अच्छा, एरर क्या कह रहा है? लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कॉल क्या होता है? कॉल किसे करते हैं हम? कॉल हम फंक्शन को करते हैं। फंक्शन को करते हैं ना कॉल, क्योंकि फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर मुझे कुछ वो आउटपुट देगा या आंसर देगा, है ना। तो वो तो एरे तो हमारा लिस्ट है ना, एरे तो हमारा एरे है, तो इसको आपने क्यों दे दिया ये? तो ये अगर एरे में जाएगा, एरे अगर आई आया वन, नहीं आई वन आएगा, जीरो नहीं, तो आई में क्या स्टोर होगा? माय नेम इज अमन। हाँ, तो इसी को तो मैं एक एक करके वो करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ। अब ये जो जीरो आया तो इसमें देखो ऐसे होगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको ना उस लाइन को फिर से तोड़ना पड़ेगा एक एरे में। लाइन आई में जा रही है ना, ओके ओके, उस लाइन को फिर से तोड़ो और फिर उस एरे को फिर से आइटरेट करो नेस्टेड फॉर लूप से। तो वो जो लाइन तोड़ना है मेरे को, जो एरे का जो जीरो है वो, उसको तोड़ने के लिए इस फॉर लूप में करूं या बाहर डिफाइन करूं? नहीं नहीं, फॉर लूप में लिखोगे ना उसे, आई वाला। हाँ, इस वाले के अंदर। तो अब इसके लिए एक नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें वो प्रिंट करेगा, तोड़ेगा। नहीं, एरे को तोड़ोगे या आई को तोड़ोगे? आई डॉट आई आ गया एरे में, माय नेम इज। अच्छा ठीक है। हाँ, अब आपने क्या बोला कि जो मैं एरे जो आया मेरा, अब उसको आइटरेट करना है। देखो, आई डॉट स्प्लिट जब मैं मारूंगा तब नेम के अंदर क्या आ जाएगा? नेम में आ जाएगा, ये फर्दर टूट जाएगा, माय नेम इज। हाँ ठीक है ना, मेरे पास एक और लिस्ट आ गई है ना, हर एक वर्ड्स की। तो अब मैं इस नेम को आइटरेट करूंगा, बस अब प्रिंट कर दो। ठीक है ठीक है, भाई ये तो नहीं। देखो, वर्ड किस में स्टोर हो रहा है ये बताओ पहले। वर्ड कहाँ स्टोर हो रहा है? हर एक वर्ड कहाँ स्टोर हो रहा है, किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है वर्ड? हर एक वर्ड नेम के अंदर जा रहा है। नेम तो लिस्ट है ना, उसके अंदर तो वर्ड भरे हुए हैं, फिर एक एक करके वो वर्ड किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ना। तो क्या है वो वेरिएबल जिसके अंदर वो स्टोर हो रहा है हर एक वर्ड? जे में, जे में तो स्टोर होगा। हाँ, जे को प्रिंट कराओ बस, ये मैं तो वर्ड ही चाहता हूँ ना एक एक करके। आई को क्यों करा रहे हो? आई तो लाइन है ना। नहीं, आई तो वो लाइन है ना। हाँ, मैं तो सिर्फ वर्ड चाहता हूँ ना। थोड़ा समझ में नहीं आया यार। देखो देखो देखो, एक्चुअल में क्या है ना कि ये एक लाइन है, एरे के अंदर लाइंस भरी हुई है, मल्टीपल लाइंस है ना। अब एरे के अंदर की जो लाइंस है ना, वो इस लाइन में हर बार स्टोर होती रहेगी, ठीक है।
जो पहली लाइन आएगी माय नेम इज अमन, वो लाइन के अंदर स्टोर होगी। फिर मैंने उस लाइन को एक मिनट, यहाँ पर लाइन का समझ में आ गया कि फॉर लाइन इन एरे, मतलब जब ये लाइन जीरो हुआ तो इस एरे के अंदर उसने जीरो उठाया, ठीक है। जीरो के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग है जो कि है माय नेम इज नेम, तो अभी लाइन के अंदर क्या है, माय नेम इज अमन, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो कि वो जो एक स्ट्रिंग आई है उसको फिर फर्दर तोड़ दो, ठीक है। तो वो हमने लाइन डॉट स्प्लिट मार दिया और उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया। तभी जब इसको तोड़ा लाइन डॉट स्प्लिट से क्या हुआ, यहाँ पे जरा बताओगे? नहीं, लाइन डॉट स्प्लिट से क्या होगा, आप सोचो क्या होगा लाइन, अगर आप अगर मैं ये तो वर्ड अंडरस्कोर आ रहे, तो ये तो फिर एक लिस्ट बना देगा। वही तो मैं चाह रहा हूँ, एक और लिस्ट मिल जाए मुझे, फिर मैं उसे इटरेट कर लूँ। ओके, जैसे मैं एरे ऑफ जीरो उठाता हूँ, एरे ऑफ जीरो में क्या होगा, माय नेम इज अमन, हाँ, इसको मैं अगर स्प्लिट मारता हूँ, ठीक है, तो देखो एक लिस्ट बन जाएगी, एक लिस्ट सब लिस्ट कहेंगे? नहीं, ये लिस्ट ही है, सब लिस्ट नहीं है, ये एक नई लिस्ट बनाई है, मतलब एरे ऑफ जीरो से क्या आई मेरे पास, एक स्ट्रिंग आ गई है ना, फिर डॉट स्प्लिट मारा, ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन ने क्या वापस दिया मुझे, एक लिस्ट दी। उस लिस्ट में क्या स्टोर है, हर एक वर्ड स्टोर है ना। अब मैं इस लिस्ट को वो कर सकता हूँ, आइट्रेट और आई इन कर सकते हो, प्रिंट आई, तो आप देख लो हर एक वर्ड एक लाइन में आ गया। ओके, तो अभी ये जो वर्ड अंडरस्कोर आ रहे है, इसका अब मतलब इस जे के लिए एक ये एक फर्दर एक लिस्ट है, ठीक है। हाँ, मतलब जो लाइन है ना, लाइन टुकड़ों में टूटी और वो एक जो लिस्ट बन पहले गई, वो एक एरे बन गया पहले, हाँ, जो पहले से जो लिस्ट बन के आई, ठीक है, वो एक वर्ड अंडरस्कोर एरे के अंदर डाल दिया। फिर हमने जे जब देख रहा है तो वो वर्ड अंडरस्कोर एरे में देख रहा है, मतलब कि माय नेम इज अमन के अंदर देख रहा है। हाँ, देखो जो वर्ड एरे के अंदर क्या स्टोर्ड है मेरे, हाँ, वर्ड अंडरस्कोर एरे के अंदर, वर्ड अंडरस्कोर एरे के अंदर माय नेम इज अमन एरे स्टोर है लिस्ट हाँ, के। हाँ, अगर मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन में पहले जब पहला बार चलेगा ना फॉर लूप, तो माय नेम इज अमन उसमें स्टोर होगा, है ना, तो मैं उसको तोड़ दूंगा एक लिस्ट में, तो ऐसे करके वो बन जाएगा जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, प्रिंट एल करूंगा अगर मैं, तो ऐसे करके मेरे पास एक एरे आ जाएगा, है ना, करेक्ट। उस एरे को मैंने स्टोर कर दिया वर्ड एरे में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग अनदर फॉर लूप, फॉर वर्ड इन वर्ड एरे प्रिंट वर्ड, तो वर्ड एरे के अंदर माय नेम इज अमन स्टोर्ड है, अब मैं उसे एक एक करके एक्सेस कर रहा हूँ, सही है। हाँ, कुछ डाउट है इसमें अब आपको अगर कुछ और, चलो एक काम करते हैं कि थोड़ा और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, डबल जो फॉर लूप्स होती है ना, अब जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें कि आपको ना ये प्रिंट करना है, जैसे मैंने बोला था ना 1 2 3, ओके, 4 4 5 6 7 8 9, आपको ना ये प्रिंट करना है, तो ये अगर आप कर लोगे फॉर लूप की हेल्प से हो जाएगा। एक बार करो, एक मिनट जाओ ठीक है, हाँ एक बार इसे करो, ट्राई करना है, अभी ट्राई कर भाई, नहीं तो नहीं होगा भाई। ये अमित है तू उधर? कर ले भाई ट्राई एक बार, मैं पहले उस पे गूगल पे लैप पे एक दिन प्रैक्टिस कर लूं, फिर ही ट्राई करूंगा, ज्यादा बेटर है। अरे तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अमन के मैं भी तो गलत ही लिखता हूँ,
मैं कौन सा सही लिख रहा हूँ? अमन कौन सा सही लिख रहा हूँ? मैं भी तो गलत ही लिख रहा हूँ। अभी तो आपको वो सिंटैक्स पता नहीं है ना, तो जैसे कल आपने देखा ना कैसे हमें पोजीशन से कैसे एक्सेस करते हैं, है ना, वैल्यू से कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये सब चीजें मतलब देखते रहोगे कि करके ना पता चलेंगी। चलो मैं ही करता हूँ यार। हाँ कोई नहीं, ट्राई करो आप। अगर अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अमन मैं भाई ऐसे एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ? ऐसे वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ क्या? कुछ भी आप नाम ले सकते हो, बस ये कि उसमें आप ये अंडरस्कोर डाल सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स में, लेकिन वो स्टार मैंने जो ये करा है ठीक है। हाँ ये सही, ये चलेगा। हाँ वन से जीरो, वन टू मतलब कि थ्री तक आप ये बोल रहे हो कि इसे पहले प्रिंट भी करा दें। अगर मेरा यहाँ पे आया जीरो बनाया ठीक है, वन और आ गया इसमें यार। नम वन टू थ्री फोर आप कर रहे हो क्या? नहीं नहीं अच्छा और इसमें जाएगा वन देखो मैं आपको एक हिंट दूंगा कि जो आपको वन टू थ्री करना है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन एट नाइन, वो आपको ना इनर लूप में चलाना पड़ेगा, वो आउटर लूप में नहीं चलेगा। इनर लूप में आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन एट नाइन डालना है। इनर रूप में चलेगा तो फिर ये वन से टेन तक जाएगा, तो फर्स्ट लूप में क्या चलेगा? देखो जो फर्स्ट लूप है ना उसको ऐसे मान लो कि वो, चलो ठीक है एक बार ट्राई करो देखते हैं। सेम आर्गुमेंट्स कर सकते दोनों लूप में? हाँ वो तो मर्जी है आपकी, वो तो कुछ भी कर लो। आप कर रहे हो क्या? टाइप कर रहा है कोई? आप कर रहे हो क्या? नहीं नहीं मैं अपना वो गलती से दब जा रहा है। आप करोगे?
आगे का नहीं हो पा रहा यार अमन। देखो देखो थोड़ा सा ना इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 3 तक, लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा प्रिंट आई तो ये मेरा हर एक लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये तो 1 से लेकर 4 तक चलना था। अब देखो क्या है कि जब मैं चाह रहा था कि एक ही लाइन में प्रिंट करूं, तो मैंने ऊपर देखा था कि मैंने दूसरे तरीके से जुगाड़ लगाया था। क्या किया था मैंने, स्ट्रिंग लेके उसको एक खाली स्ट्रिंग ली थी और आगे जोड़ता गया था और लास्ट में किया था मैंने प्रिंट उसे ना। तो यहाँ भी मैं वही जुगाड़ करूंगा। देखो स्ट्रिंग में मैं खाली डाल देता हूँ और स्ट्रिंग को मैं बार बार इसमें कुछ ऐड करता रहता हूँ। स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस आर ऑफ आई है ना, और मैं फिर स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। अब अगर मुझे वो प्रिंट करना है, अब देखो अब मुझे क्या प्रिंट करना है 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6, ठीक है। तो इसको कर लूंगा 4 से लेकर 7 तक, ठीक है, और स्ट्रिंग को फिर से खाली कर दूंगा। देखते हैं क्या आएगा। अमन तो ये नेस्टेड का हुआ ही, तो नहीं नहीं मल्टीपल फॉर लूप्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट भी तभी आपके समझ में आएगा जब आप देखोगे कि क्या चीज रिपीट हो रही है ना। अच्छा 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 ओके, कि मैं लूप को भी बार बार रिपीट मार रहा हूँ ना, मैं लूप को भी बार बार रिपीट मार रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 6 अब मैं 7 से शुरू करूंगा और 10 तक जाऊंगा, सही है। पर ये इसी के आगे क्यों प्रिंट कर रहा है। अच्छा मैंने स्ट्रिंग को खाली नहीं किया था, स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी, सही है। तो मैंने ये प्रिंट तो किया लेकिन अब देखो इसमें ना रिपीटिंग चीज क्या हो रही है। अगर मैं मान लो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है, ओके। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर बार लूप कितनी बार चल रहा है, चल तो 3 बार रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसको ना 3 बार चला लेता हूँ, ये मैं 3 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये 3 बार चलेगा ये लूप, है ना। और स्ट्रिंग में मैं x को डाल देता हूँ और x इक्वल टू x प्लस 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है ये चीज आ रही है समझ में, हो क्या रहा है इसमें। अगर मैं इसको एक नई लाइन में चलाऊं तो क्या होगा, एक मिनट इससे मैं ना प्रिंट भी कर देता हूँ। प्रिंट स्ट्रिंग तो 1, 2, 3 प्रिंट हो गया। तो ये आपको समझ में आया 1, 2, 3 प्रिंट कैसे हुआ, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग प्लस। अच्छा इसको अगर बाद में भी तो कर सकते थे, क्या चीज x इक्वल टू x प्लस 1 के बाद। नहीं अगर मैं x इक्वल टू x प्लस 1 के बाद करता तो x की वैल्यू 2 हो जाती ना फिर, ठीक है। अगर आपको पहले करना है तो x को 0 करना पड़ेगा पहले। यार ये समझ में नहीं आया। देखो देखो x को मैंने, देखो देखो x की वैल्यू क्या है, 0 है लूप से पहले, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू 0, वैल्यू 0 है, तो जब पहला इटरेशन चलेगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना, करेक्ट। अब स्ट्रिंग में मैं 1 को अपेंड कर दूंगा तो स्ट्रिंग में भी 1 आ जाएगा। जैसे मैं अगर आपको ना यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं स्ट्रिंग में x और स्ट्रिंग में आपको एक एक करके प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये देखो
पहले x की वैल्यू 1 हो गई पहले आइट्रेशन में, है ना, और जो मेरा स्ट्रिंग है उसमें 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर x की वैल्यू वे दोबारा ऊपर आएगा, ऐसे करके चलता है ना लूप, ऐसे फिर ऐसे, हाँ, x की वैल्यू 1 हो गई थी, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि x